लोक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए गृह मंत्री बाला बच्चन ने शुक्रवार को इंदौर में आई बस का सफर किया। वे अपने घर से निकलकर सत्यसाई चौराहे पहुंचे और वहां से LIG तक बस में आए। उनके साथ स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट भी थे। गृह मंत्री कुछ स्थानीय कार्यक्रम में हिस्सा लेकर देपालपुर के लिए रवाना हो गए। इसके साथ ही शुक्रवार को ट्रैफिक कैबिनेट के निर्णय अनुसार प्रशासनिक अधिकारी आई बस और सिटी बसों से सफर कर कार्यालय पहुंचे। हर शुक्रवार को अफसरों ने लोक परिवहन का उपयोग करने के लिए पहल की। पिछले शुक्रवार भी प्रशासनिक अधिकारी अपने घर से दफ्तर सिटी बस, आई बस और सिटी वैन में सवार होकर पहुंचे। उन्होंने इस दौरान सफर में आने वाली समस्याओं और उनके रखरखाव को भी बारीकी से जांचा। कलेक्टर लोकेश कुमार जाटव ने प्रशासनिक अधिकारियों से अपील की थी कि वे सप्ताह में एक दिन शुक्रवार को पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। मतलब आज पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए पहल है और शुक्रवार हो गई, कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, मैं इंदौर वासियों की इसकी बधाई देता हूं कि करीब 40 ई बसें शुरू की है हमारी इस सरकार के स्थानीय निकाय के मंत्री आदरणीय श्री जयवर्धन सिंह जी ने। और अभी आप देख ही रहे हैं, हम सभी विधायक आदरणीय तुलसी सिलावट जी, आदरणीय हमारे विशाल भाई पटेल जी और शहर अध्यक्ष विनय बाकलीवाल जी, हम लोग सभी इसमें अभी सफ़र कर रहे हैं। तो मैं इंदौर वासियों को बधाई और शुभकामना देता हूं। जो 40 बसें मिली है और इसके बाद 100 बसों का और प्रस्ताव है, मैं समझता हूँ कि इसमें सब तरह का जो बचाव है, तो ये जो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इसकी जो शुरुआत की है, माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं आप सब की तरफ से, इंदौर शहर वालों की तरफ से भी उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। माननीय जयवर्धन सिंह जी को भी मैं धन्यवाद देता हूं और इंदौर शहर वासियों को मैं इसकी बधाई और शुभकामना देता हूं। जिस तरह से आज ट्रांसपोर्ट पर आप लोग परिवहन का उपयोग करने वाले हैं, किस